रायबरेली में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के साथ प्रदेश की योगी सरकार बेटियों की शिक्षा के लिए अथक प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में सांसद सोनिया गांधी द्वारा बच्चों के लिए स्कूल बनवाया गया, शासन व प्रशासन की अनदेखी के कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 10 साल पहले बना 2 मंजिला ये शिक्षा का मंदिर आज शराबियों और जुआरियों के लिए अड्डा बन गया है। लगभग 2 से 3 करोड़ की कीमत से बनकर तैयार हुआ यह भवन पठन पाठन के बजाय अराजक तत्वों का आश्रय बन गया है। खास बात यह है कि 10 साल पहले बनी इस बिल्डिंग पर जिला प्रशासन की नजरें इनायत तक नहीं हुई। इतना ही नहीं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रही भाजपा की पूर्णिमा श्रीवास्तव और उससे पहले सपा के अध्यक्ष रहे मोहम्मद इलियास ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि ये 2 मंजिला भवन स्कूल के लिए प्रस्तावित था जो कि नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया गया था। चौंकाने वाली बात ये रही कि जिला प्रशासन को इस बिल्डिंग की जानकारी नहीं थी। फिलहाल वर्तमान में कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने मामले का संज्ञान लिया। अध्यक्ष जी, एक शहर के अंदर एक बिल्डिंग बनी हुई है टाउन हॉल के पास, काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है वो बिल्डिंग, बताई जा रही है कि आपके हिसाब से जो सोनिया गांधी की नीति से बनाई गई है, क्या है वो बिल्डिंग और कब चालू होगी, क्या वो झज्जर से पड़ी रहेगी? देखिए, टाउन हॉल किला बाजार एरिया है, उसमें वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उन हमारी सोनिया गांधी वहाँ के लोगों के लिए शिक्षा के दृष्टि से सोनिया गांधी जी ने करीब उसको 2-3 करोड़ रुपए की लागत से उस बिल्डिंग को बनवाया और बनवाने के बाद में नगर पालिका को हैंडओवर किया। नगर पालिका के जमीन पे बन रहा है, वो बन गया है, बन कर के लगभग 10 वर्षों से वो ऐसे पड़ा हुआ है और इसके पहले जो भी अध्यक्ष थे, जो भी यहाँ पे लोग थे, उन लोगों ने ये नहीं सोचा, लेकिन मैं ये देखा कि वो बिल्डिंग बनी कर तैयार हुई है, एकदम तैयार खड़ी है, तो मैंने यहाँ पे जो हमारा रायबरेली नगर पालिका परिषद का बालिका विद्यालय पुलिस लाइन में है, पुलिस लाइन चौराहे पर है, उसी की एक ब्रांच उसमें खोलकर मैं उस स्कूल को संचालित करने का पूरा बोर्ड के द्वारा काम करूँगा। कब तक हो जाएगा ये? कब तक इसको अमली जामा बनाएंगे? इसको बस इसी 2 महीने के अंदर हम जो है वहाँ पे एक ब्रांच चालू कर देंगे। देखिए, बिल्डिंग की बात हो रही है, कैनाल रोड पर जो ईओ नगर पालिका का जो घर है, वहीं जलकल विभाग है, वो एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी है। बहुत देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।